What's up guys, this is Raja Daniel Zafar back with another video. So today I'm gonna show you around my university. Well, we are on the way. I have here Umar Qureshi and Arslan Bey. Well, he used to be my junior, but now we are badge mates, and Arslan Bey is in the last semester. Hello. Kaise ji Arslan Bey? Qureshi saab. Well, यहाँ से तकरीबन 25 मिनट लगते हैं ड्राइव करके हमारे घर से. वी लिव इन द नेबरहुड. इस्लाम भी कोई अच्छी सी बात बताएं यूनिवर्सिटी के बारे में. अच्छा वेल यू गाइस हर्ड इट. आई होप योर रमजान इज गोइंग गुड एंड द फास्टिंग इज बीन इजी ऑन यू. Well, I'll see you in a while. And here we are. This is the university's main entrance. You can see the guard standing over there. Now we have to find a parking spot. So first things first, here we are in the parking lot. This is the university parking lot. You can see over here, it's quite huge. And there's our bus stand right over there. They got like 10 to 15 buses of their own, which roam around the Twin Cities. And there we have the bikes parking lot. And this is the main entrance where you have to scan your card, university card. And here it is. Let's go. And here we are at the Capital University of Science and Technology. Well, this is our university's main roundabout, and on the left side we have A, B, C and D block, and on the right side we have E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. I guess they're up till M. So I've got a class in the B block, so I'll see you. I got two classes today. I'll see you guys after the classes. अच्छा, तो हमारी क्लासेस ख़त्म हो गई हैं. दो क्लासेस थी, हमने ले ली हैं. उसके बाद जो है हम अभी फ्री हैं तकरीबन. अब हमने घर ही जाना है, तो मैं आप लोगों को कुछ लोगों से मिलवाना चाहूँगा. तो सबसे पहले अहमद साढ़े दत्त पोत्रा जी फ्रॉम गुजर खान. अहमद द लेजेंड फ्रॉम फैसलाबाद. ये हमारे अरसलान साहब, ये ज़रा एयरपोर्ट सोसाइटी के बर्गर. ये यावर अब्बास, इसके बारे में मैं कुछ स्पेसिफिक नहीं कहूँगा. ये मिक्सचर है हर चीज़ का, हमारी क्लास का छोरा. ऑलराइट गाइस, सो बिफोर डाइविंग इनटू दैट एरिया, हमें और यावर जाएंगे पहले स्पोर्ट्स रूम की तरफ. स्पोर्ट्स रूम दिखाते हैं आपको अपना का ऐसे ही है. स्पोर्ट्स रूम इज दैट, और वो जो यहाँ पे स्टेयर्स हैं, स्टेयर से हम ऊपर जाएंगे साथ ही राइट साइड पे स्पोर्ट्स रूम है. और ये हमारे वेले लौंडे तीन चवल लोग ऐसे काम का हंस रहे हैं एक दूसरे को देख देख के, क्योंकि इनकी शक्लें जो बहुत बनी है. रिश्ते के लिए नहीं आए हम. हाँ क्या, जूम इन कर इसको, जूम इन कर इसको, जूम इन कर क्या भाई, आप क्यों हंस रहे हो? ब्लॉग के मेरे पे बना रहे हैं. हाँ, आप पे बनाएंगे आज, तो आप पे बनाएंगे. हॉट टॉपिक हमारा होगा अरसलान द बर्गर. अलग रे खुला हो. देयर वी हैव द फार्मेसी इफ यू आर लाइक सिक और समथिंग. क्या कोई है अंदर? ऐसे सीन कुछ ऐसा हो गया कि स्पोर्ट्स रूम में भी गर्ल्स हैं, अंकल जाने नहीं दे रहे अंदर. वो कह रहे हैं कि आप लोग का टाइम नहीं है अभी. क्यों यावर? हाँ यार, चबल लोग. ये पता नहीं क्यों आज दोनों. ओह हो, द जिमर दिखाओ दिखाओ दिखाओ. यावर के सस्ते साइकिल. अच्छा, ये इस इस इसकी चीजों को इग्नोर करो. इग्नोर कॉपी कर, कॉपी कॉपी. Ha ha ha.
अच्छा तो मज़े की बात यूनिवर्सिटी के बारे में कि जो भी यहाँ पे मतलब कोई भी चीज़ है वो इन पेयर्स है, मतलब कि आपको दो पार्किंग लॉट्स मिलेंगे, दो कैफेटेरियाज हैं हमारे, दो हमारी जो हैं लाइब्रेरीज हैं, उसके बाद यावर चुप है। अच्छा उसके बाद जो है क्या और क्या है, मतलब कि हमारे पास पार्किंग लॉट्स हो गए, दो दो कैफेटेरियाज हो गए, अच्छा तो फर्स्ट एंट्रेंस तो आपने देखी थी, ठीक है ये हमारी बैक एंट्रेंस है, सेकंड एंट्रेंस यहाँ से हॉस्टलाइट्स, और अगर किसी को फर्स्ट पार्किंग एरिया में जगह ना मिले तो वो यहाँ से अपनी गाड़ी लेके अंदर आते हैं। ये गेट टू बोलना इसे, गेट टू हाँ ना, बस यहाँ से एक ही बात है ना। और ये हमारा इमेंस किस्म का कैफेटेरिया। अच्छा तो कैफेटेरिया में एंटर होने से पहले आपको तो पहले यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पर एंट्रेंस पे खड़ा है ना, यहाँ पे एंट्रेंस पे खड़ा होना पड़ता है, फिर आपने अपनी ईगल आईज से देखना होता है कि कहाँ पे चेयर खाली है, फिर आपने उसकी तरफ बस भागते हुए चले जाना होता है। क्यों यहाँ पर यही सीन चला है। और सो वी गॉट सम फेमस ब्रांड्स इन द कैफेटेरिया एज वेल, सो वी हैव मंचीज, पार्सले, कैफे 69, उसके बाद का महल, एंड आई गेस लाइक अबाउट 500 टू 600 पीपल कैन ईजिली सिट हियर। क्यों यहाँ पर क्या कहते हैं, बैठ सकते हैं ना तकरीबन 500-600, हाँ हाँ आराम से। एग्जिट द कैफेटेरिया फ्रॉम दिस साइड, तो यहाँ पे आपको मिलेगा सेकेंड पार्किंग लॉट, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन इन्हें बनाया नहीं, और वो जगह भी लोगों ने क्लियर की हुई है, वहाँ पे भी अभी कंस्ट्रक्शन होनी है, लेकिन रूमर्स ये हैं कि यहाँ पे बनेगा क्या मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आएगा। लेकिन लेकिन सीन ये है कि जब ये मेडिकल कॉलेज बन जाएगा ना, तो मुझे तो उन बेचारों की टेंशन हो रही है कि जो मतलब जिन्हें MBBS में एडमिशन लेना था उनका हुआ नहीं, वो यहाँ पे डॉक्टर्स को घूमते हुए देखेंगे तो उन बेचारों के दिल हाय। अच्छा तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ग्राउंड एरिया, मतलब कि जहाँ पे सारे प्ले ग्राउंड हैं स्पोर्ट्स के बारे में सारा कुछ। अपना स्मोकिंग एरिया से फीका पड़ गया। अच्छा यावर कह रहा है यूनिवर्सिटी की सबसे कूल जगह तो तुमने अभी तक लोगों को दिखाई ही नहीं है। हाँ यार कूल जगह कहाँ है ये सामने स्मोकिंग एरिया। ये कूल जगह है यावर के लिए जी, स्मोकिंग एरिया। इस वक्त क्या कहते हैं फीका पड़ गया है, रमजान की वजह से फीका पड़ गया, नहीं तो यहाँ पे क्या होता है। सही चल, क्योंकि यावर आता रहता नहीं यहाँ पे, नहीं नहीं यावर बहुत अच्छा बच्चा है, नहीं आता। अच्छा ये हमारे ग्राउंड है सारे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बैडमिंटन कोर्ट, उसके बाद आगे आना चल चल, वी गॉट टेनिस ओवर हियर, आफ्टर टेनिस बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल के बाद हमारे पास सॉकर फील्ड है, सॉकर फील्ड के बाद जितना भी ग्राउंड है बाकी वो और है जी क्रिकेट के लिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी का मेरा सबसे फेवरेट स्पॉट, या और मेरा फेवरेट स्पॉट यूनिवर्सिटी में कौन सा है, तुम्हें क्या लगता है? रिवर व्यू साइड। रिवर व्यू साइड यार, रिवर साइड कैफेटेरिया। यप मैं नहीं पसंद, वही बता रहा था मैं टेक्निकली, बट मेरी सबसे फेवरेट लोकेशन कोई और है। क्या वो वाली कौन सी वाली, उधर क्या है? ये जरा ये डीप डिस्कशन से थोड़ी क्या कह रहा है, इसकी फेवरेट जगह ये है यहाँ पे, आई डोंट नो व्हाई, क्या बताओ क्यों यार, साया है यहाँ पे, फ्रेश हवा आती है, आवाम कम होती है, डिस्टर्बेंस नहीं है, सुकून चिल माहौल होता है, और क्या चाहिए, कैफे में इतना रश होता है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताता चाहूँ कि इसकी बैकएंड की स्टोरी आपको नहीं पता, थ्रू दो अच्छा तो विल गो थ्रू दो स्टेयर, सो हमारे पास आ जाएगा रिवर साइड कैफे। सो देयर इट इज रिवर साइड कैफेटेरिया, और ये हमारा रिवर, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द रिवर, तो हम अगर 10 से 15 साल ये तो अभी शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, अगर हम लोग 10 से 15 साल पीछे जाते हैं तो ये जो रिवर था ये जहाँ तक मुझे याद पड़ता है साफ होता था, लेकिन देन द डिवेलपमेंट किक्स इन, और फिर सोसाइटीज़ डिवेलप हुई, उसके बाद टाउन्स बने, हाँ, और उनके सेवरेजेज और ट्रैशेज जितना भी सारा कुछ गंद ला था उनने सारा इसमें फेंका, और ये अब इसकी हालत देखें आप, इट्स जस्ट अ डर्टी स्वैम्प नाउ,
ऐसे ही है। द कैपिटल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कोई अच्छा सेलिब्रेशन बनाना है। क्या एब्रिविएशन बनाना है? जैसे मस्क को हम बोलते हैं ना, मस्क वाले बोलते हैं। हाँ क्या बोलते हैं? तुम मजाक बनाना चाह रहे हो हमारी यूनिवर्सिटी का? शर्म नहीं आती तुम्हें? मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेंशन एंड क्या कुछ था? मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेंशन स्ट्राइक एंड टेंशन। मीरपुर यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्राइक एंड टेंशन मस्त। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, ये सारा इसी हाथ है। तो अच्छा, ये है जी हमारा रिवर साइड कैफेटेरिया। कैफे टू मेरा फेवरेट स्पॉट। इट्स नॉट बैक लेकिन मतलब क्या बैक एंड स्टोरी क्या है इसकी? इसकी बैक एंड स्टडी स्टोरी कोई भी नहीं है, सॉरी। अच्छा ये फेवरेट स्पॉट है जी। यहाँ पे आप अगर इमेजिन करें, यहाँ आप बैठे हों, बारिश हो रही हो, आपके हाथ में चाय या कॉफ़ी का कप हो, तो आप कैसा फील करोगे? चाय कॉफ़ी वाला सीन नहीं है, देन हाउ विल यू फील? अच्छा किसको, कहाँ दूर से आए हैं? कहाँ दूर से आ गए भाई? यार इसको भी ब्लॉग मिल गई क्या? बच्चा हमारा बड़ा परेशान कर क्या? यार ये देखे, ये गलत बातें कर रहे जी। अश्लील देखे जी, मेरा तो रोज़ा है, इनका तो मुझे पता नहीं है। देखे कैसी बातें कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं ज़रा आपको रिवर के बारे में बता रहा था, लेकिन ये 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 बात कहीं और लेके जा रहे हैं। अच्छा आपका सेमेस्टर कौन सा था? और ज्यादा सीनियर हो गए ना, ठीक है। अच्छा यूनिवर्सिटी के बारे में कोई अच्छी बात बताएं। समझ रहे हो? नहीं भाई, चले ठीक है जी। अच्छा तो कैफेटेरिया अभी तो बंद है, लेकिन वैसे ये ओपन ही होता है। यहाँ पे अक्सर रश नहीं होती, और लेकिन फ़िलहाल तो ये बंद है रमज़ान की वजह से। और यावर साहब, और हम यूनिवर्सिटी के बारे में लोगों को क्या बता सकते हैं? सोच एक दो बंदे कंट्रोल देते हैं, इनसे पूछते हैं। यार ब्लॉग्स में इंटरव्यू कौन लेता है यार? नहीं वैसे अजीब बात करते हो तुम। कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू? मैंने देखा है कि दो बंदों को जो पॉइंट ऑफ व्यू हम खुद देंगे ना लोगों को, यार तुम बेफिक्र रहो। अच्छा अच्छा, sukoon.com कहाँ बैठे हैं? ज़रा यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे अच्छे रिमार्क्स भी देने ना यार, अच्छे रिमार्क्स आते ही नहीं है। अच्छा अच्छा, नाउ इट्स टाइम फॉर सम ऑनेस्ट रिव्यू। यूनिवर्सिटी अगर देखी जाए तो मतलब कि फैकल्टी इज़ अमेजिंग, ऐसा ही है, फैकल्टी बहुत अच्छी है, टीचिंग मेथडोलॉजी अमेजिंग, टीचर्स आर अमेजिंग, लेकिन एक चीज़ में यूनिवर्सिटी लैक करती है एंड दैट्स एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन की बेटरमेंट की तरफ काम करेगी, क्योंकि और क्या कहते हो? हाँ यार एडमिनिस्ट्रेशन बहुत गंदी है, ये कोऑपरेट नहीं करते स्टूडेंट्स के साथ, खुआर कराते हैं। सही मतलब कि अगर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पे वर्कआउट करती है तो फिर ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हो जाएगी। बाकी यहाँ पे मतलब कि एवरीथिंग एल्स इज अमेजिंग है, ऐसे ही है, ठीक है, अच्छा है। लाइक दे ऑफर एवरी टाइप ऑफ कोर्स लाइक रिलेटेड टू इंजीनियरिंग और बायोलॉजी। यूल एक चीज़ रह गई थी MBBS और BDS, और मेरे ख्याल से अब वो अगर बना ही रहे हैं तो वो भी ऑफर कर देंगे ये लोग। पीछे कोई सब्जेक्ट ही रह जाए तो ये यूनिवर्सिटी नहीं ऑफर करती। उसके लिए ज़्यादा बेहतर है BBA एंड PharmD। अच्छा इसके बारे में मुझे नहीं पता, ही पता नहीं क्यों ऐसे बोल रहा है भाई। बायोटेक्नोलॉजी ठीक है, हम बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हैं भाई तो लेकिन ये दरअसल कुछ लोग जो अभी बायोटेक्नोलॉजी में, उन्हें MBBS करना था, वो उठ के बेचारे हैं, उनको बायोटेक्नोलॉजी में घुसेड़ दिया क्या मजबूरन, तो वो फिर ऐसी बातें करेंगे, शक्ल भी उनकी ऐसी होती है। देखिए कितना सुकून है इस टाइम यूनिवर्सिटी पे। वैसे अगर रमज़ान ना हो भाई साहब, रश ही रश, यब्बन कटीटे इतने कि बंदा क्या ही बोले। खामोशी है रमज़ान की वजह से, बाकी इतनी तमीज़दार आवाम नहीं है यहाँ की जितनी दिख रही है। अच्छा जी, तो कुछ इजाज़त तो नहीं है इनको और बताने के लिए? बताओ कमेंट्स में कुछ पूछना हो तो। ओह हाँ, यस 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 यस, मुझे एक बात याद आ गई। यस एक मिनट, क्या अच्छे, एक मिनट मुझे बात याद आ गई। हाँ
अगर कोई सीनियर या फिर कोई ग्रेजुएट मेरी वीडियो देख रहा है तो आई वुड लाइक यू गाइस टू शेयर मेमोरी डेट यू हैव इन दिस यूनिवर्सिटी, जो मतलब कि जो आपको ऐसे मतलब कि अच्छी लगती हो, जो मतलब जब भी आपको कास्ट का नाम आपके जहन में आया तो आपके माइंड में वो क्लिक करती हो, तो आप इसको मेरी मेमोरी को शेयर करें कमेंट्स में, आई वुड लव टू रीड इट। और कुछ अच्छी चीज़ें बताएं कास्ट के बारे में, ताकि जिन लोगों को कास्ट के बारे में नहीं पता, क्योंकि आई हैव बीन इन ट्विन सिटीज़ लाइक 12 इयर्स नाउ, तो मेरी काफ़ी जान पहचान है। कुछ ज़्यादातर लोगों से जब मैं मिलता हूँ उनको बताता हूँ मैं कास्ट जा रहा हूँ, कहते कास्ट कहाँ है, कास्ट है कहाँ पे भाई। तो एक और फैक्टर ये भी है कि आज से तकरीबन 8-9 साल पहले इस कास्ट का नाम माजू हुआ करता था, ऐसे माजू, हाँ, तो वो भी एक फैक्टर मैटर करता है। लेकिन बस लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सीन ये है, जब कोई पूछता है ना हमसे कहाँ पढ़ते हो, कास्ट, सब में से सुनते हैं नस्ट। वो सीन बैड हो जो नहीं नस्ट नहीं कास्ट सी से नहीं, वैसे सीन अच्छा है, इज्जत बच जाती है बंदे। मैं साथ में यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है भाई, आई एम सेटिस्फाइड। ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह सून। सो डू लाइक, यू नो द ड्रिल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।